आज हम सीखेंगे हमारे पास जो JPR का रिमोट हमको गफार मार्ट की तरफ से मिला है, इसको हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे पास है सैमसंग LED TV का रिमोट है, जिससे आज हम इसको प्रोग्राम करना सीखेंगे। सबसे पहले JPR की प्रोग्रामिंग के लिए आपको यहाँ पे नीचे सेट का बटन गिवन है और यहाँ पे ऊपर कुछ लर्निंग कीज गिवन है। इनको हम लर्निंग कीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इन कीज को हम कोड लर्न करवा सकते हैं अपने टीवी के रिमोट के हिसाब से। तो JPR की प्रोग्रामिंग के लिए आपको यहाँ पे सेट के बटन को होल्ड करके रखना है जब तक ये जो ग्रीन लाइट है और तेज ना जले। जैसे ही तेज जल जाएगी, इसका मतलब जो रिमोट है वो प्रोग्रामिंग मोड में आ चुका है। इसके बाद आपको वो वाली कीज को प्रेस करना है जिस भी बटन को आपको प्रोग्राम करना है। मान लीजिए कोई इस वाले बटन को इसके पावर से प्रोग्राम करना है तो सिंगल बार प्रेस करेंगे और उसके सामने रख के पावर वाले बटन को प्रेस कर देना है। इसी तरह और भी कीज है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं ये वॉल्यूम माइनस है, वॉल्यूम प्लस है और AV, इन तीनों की इसको भी हम प्रोग्राम करेंगे। पहले वॉल्यूम माइनस को प्रोग्राम करते हैं, तो सिंगल बार वॉल्यूम माइनस दबाएंगे और उसके सामने रख के वॉल्यूम माइनस। इसी तरह यहाँ पे वॉल्यूम प्लस जो है इसको भी हम प्रोग्राम करेंगे। वॉल्यूम प्लस को सिंगल बार प्रेस करना है और उसके सामने रख के वॉल्यूम प्लस। इसी तरह ये जो AV है इसको भी हम प्रोग्राम करेंगे, सिंगल बार AV को प्रेस करेंगे और जिस भी बटन से आपको प्रोग्राम करना है, मान लीजिए मैं कुछ को यहाँ पे जो HDMI है इससे प्रोग्राम करूँगा, तो सिंगल बार प्रेस कर देना के सामने रख के। और जब आप सारी कीज को प्रोग्राम कर लो, आपको जो सेट का बटन है इसको आपको दोबारा प्रेस करना है ताकि जो भी आपने वैल्यूज इन कीज को लर्न करवाई हैं वो इन्हीं रिमोट में स्टोर हो जाए। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि दोनों जो रिमोट का बीच का डिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए ताकि जो सेटअप बॉक्स का रिमोट है वो आसानी से कोड अपने अंदर स्टोर करवा ले टीवी के रिमोट के।